अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक बहुत ज़रूरी मसले के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, ख़ासकर यूट्यूब फेसबुक वगैरह पर, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर तरह तरह की वीडियो क्लिप सामने आ रही हैं और एक अजीब सी कैफियत, एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। जबकि मुफ्ती सलमान अजहरी एक अजीम शख्सियत का नाम है, कौन नहीं जानता मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब को। मुफ्ती सलमान अजहरी एक मर्द मुजाहिद, एक मर्द कलंदर है। आपने अभी चंद माह पहले देखा होगा जब नरसिंहानंद सरस्वती ने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ेबा अल्फाज कहे थे, तो पूरे मुल्क हिंदुस्तान में सरे फहरिस्त जो सबसे बढ़कर, जो उसकी सरकोबी की थी और उसको जवाब दिया था, उसी अजीम शख्सियत का नाम मुफ्ती सलमान अजहरी है। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कोई मोहताज तारुफ नहीं है, आप सभी लोग उनको जानते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी एक मर्द मुजाहिद, एक मर्द कलंदर हैं और अहल सुन्नत वल जमात के एक जैद आलिम का नाम मुफ्ती सलमान अजहरी है। लेकिन आज हैरत होती है हमारे समाज, हमारे मुआशरे में कोई अगर ज़रा सी बात सामने आ जाए तो उसको लेकर एक बेचैनी पैदा हो जाती है और मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से फतवा दिया गया, उन पर फतवा लगा। देखिए, फतवा कोई भी मुफ्ती उस वक्त देता है जब उससे इस्तिफ्ता किया जाता है। आप किसी भी मुफ्ती से, किसी भी दारुल इफ्ता से जब राबता करेंगे, वहाँ जाकर मुफ्तियाने किराम से सवाल करेंगे, इस्तिफ्ता कायम करेंगे, तो मुफ्तियाने किराम का काम है कि उसका जवाब दिया जाए। अब मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से सवाल हुआ, उसमें मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ ने कुरान और हदीस की रोशनी में उसका जवाब इनायत फरमाया। अब कुछ लोग इस फतवे को लेकर मुफ्ती सलमान अजहरी को बहाना बनाकर और फतवे को बहाना बनाकर मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ पर उंगलियां उठा रहे हैं और अहले सुन्नत वल जमात के दरमियान जो है आपस में नाइत्तेफाकी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जबकि मैं अपील करूंगा तमाम ही अहले सुन्नत वल जमात से, अवाम अहले सुन्नत से, कि वो किसी की बात पर कोई ध्यान न दें। ये काम हमारे अकाबरीन का है, हमारे बड़े उलमा का है। और हैरत है मस्जिद के उन ट्रस्टियान पर जो मदीना जामा मस्जिद मुंबई के ट्रस्टी हैं, जिन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी को मस्जिद से मुस्ताफ़ी किया है, माजूल किया है। अरे, आपको फ़ख्र होना चाहिए कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा निडर, एक जय्यद आलिम अता किया था। आपको तो उनकी कदर करना चाहिए थी, जिनकी पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया सुन्नियत के अंदर लोग आज उनकी कदर कर रहे हैं। कैसे आप लोग हैं कि आपने मुफ्ती सलमान अजहरी पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए और उनको, देखिए, इज़्ज़त जो है मियाँ अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला परवरदिगार है, ये किसी दुनिया भी इंसान के बस की बात नहीं। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो इज़्ज़त अता फरमाई है वो अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। इज्जत का देने वाला, जिल्लत का देने वाला परवरदिगार आलम है, किसी के चाहने से उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। मुफ्ती सलमान अजहरी एक अजीम शख्सियत का नाम है, वो मर्द मुजाहिद है, मर्द कलंदर है, जो लोग फतवे की आड़ में अपनी रोटियां सेक रहे हैं और जमात अहले सुन्नत के दरमियान इंतशार और इफ्तराक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो अपनी इन हरकतों से बाज आए और अपने किए ऊपर नादिम और शर्मिंदा होकर अपने काबरीन से तोबा करें, रुजू करें और मरकज़ अहले सुन्नत पर